ब्रज में हर दिन कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। इन त्यौहारों के दर्शन के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम माह एक ऐसा महीना होता है जिसमें वर्ष भर में होने वाले सभी उत्सव एक महीने में मनाए जाते हैं। उसी कड़ी में बरसाना में विश्व प्रसिद्ध होली दोबारा मनाई गई। बरसाना के श्री लाडली जी महाराज मंदिर में 27 जुलाई को होली उत्सव मनाया गया, जिसमें बरसाना के ग्वालों और गोस्वामियों ने समाज गायन किया। और जिस तरह से फागुन के महीने में नंदगांव के ग्वालों को होली का निमंत्रण भेजा जाता है, ठीक उसी प्रकार परंपरा को निभाते हुए गोस्वामियों ने नंदगांव के ग्वालों को होली का निमंत्रण भेजा और मंदिर परिसर में रंग और गुलाल और फूलों से होली खेली गई। मंदिर सेवायत मुरली मनोहर गोस्वामी ने बताया कि होली एक अजर अमर उत्सव है, जिसे बरसाना में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वैसे तो होली फाल्गुन के महीने में खेली जाती है, लेकिन पुरुषोत्तम माह में ठाकुर जी के वर्ष भर के उत्सवों को मनोरथ के रूप में मनाने की परंपरा है। उसी श्रृंखला में बरसाना में होली उत्सव मनाया गया। पुरुषोत्तम माह में होली उत्सव को सूक्ष्म रूप से मनाया जाता है, जिसमें मंदिर के सभी परंपराएं निभाई जाती हैं, जिसमें नंदगांव के ग्वालों को निमंत्रण भेजा जाता है और मंदिर परिसर में होली के समाज और पद गायन किए जाते हैं और रंग और फूलों के साथ होली खेली जाती है। ब्रज की होली पूरे विश्व में मशहूर है। वैसे तो ये होली फागुन के महीने में आती है, लेकिन अभी आप मुझे देख सकते हैं कि मैं भी इस रंग में रंगा हुआ हूँ और फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर में, जहाँ की होली पूरी दुनिया में मानी जाती है। और आज हम जानेंगे कि आज क्यों इस मंदिर में होली दोबारा से मनाई जा रही है। तो मेरे साथ मंदिर में कुछ सेवायत मौजूद है। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? मुरली मनोहर गोस्वामी। अच्छा, तो ये जो होली है वैसे तो फागुन में खेली जाती है, लेकिन आज ऐसा क्या त्यौहार है जो होली आज दोबारा से इस मंदिर में खेली जाने लगी? ऐसा है, ये होली तो अजर अमर उत्सव है, अजर अमर रहने वाला। हर साल उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास का जो एक महीना अधिक का होता है, उस अधिक के महीने में ठाकुर जी के साल भर के सारे उत्सव मनोरथ के रूप में मनाए जाते हैं। मनोरथ रूप में मनाने की व्यवस्थाएं जैसी सूक्ष्म रूप से वैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से मंदिरों में ही संपन्न हो पाती हैं, जनजीवन को देखने का अवसर नहीं मिल पाता। जो आ जाते हैं वो उसका प्रश्न बना के पूछने लग जाते हैं, भाई ये आज कैसे मनाया जा रहा है, फाल्गुन में मनाते थे, जब मनाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि उत्सव जो होते हैं उसमें ऋतु के अनुसार उत्सव सम्पन्न होता है। ये है अधिक मास पुरुषोत्तम मास महीना, उस तो महीना में 12 महीने के अलावा जब 13वां महीना ठाकुर जी ने बनाया था, तो उस एक महीने के भीतर साल भर के जितने भी उत्सव थे सब भक्तों ने मिलकर के ठाकुर जी के उत्सवों को मनाया। तो मनाने की जो परंपरा चली आ रही है वो तिथि के हिसाब से, जैसे होली का उत्सव अष्टमी को मनाया जाता है लड्डू होली का, तो कल लड्डू होली का उत्सव सम्पन्न हो गया। आज नवमी का रंग की होली का, तो आज रंग गुलाल का हो गया। अब कल दसवीं का है, तो कल नंदगांव का है। अगर नंदगांव वाले आमंत्रित करेंगे, व्यवस्था उनकी होगी, तो वहाँ भी हो जाएगा। परसों वृंदावन का है, तो वृंदावन में भी हो जाएगा। आज क्या क्या खास हुआ इस मंदिर में होली के दौरान? खास ये हुआ, नंदगांव बरसाने की जो प्राचीन परंपरा है ठाकुर जी के परिवारों से जुड़ी हुई, उनका गायन वादन रीति रिवाज के अनुसार हुआ। अच्छा, एक छोटा सा पद गायन आप गा सके? छोटे से पद गायन में तो ऐसा व्यवस्था तो यहाँ सामाजिक सामूहिक होती है, कोई दो लाइन कोई भजन। लेकिन रंगीली होली आज है रे रे रंगीली होली, अपने अपने घर सोने करी, कोई सांवल कोई गोरी, हेरे लाला कोई सांवल कोई गोरी, आज है रे रे आज है रे रे रंगीली होली। ये होली का जो उत्सव है इसको मनोरथ के रूप में मनाते हैं। मनोरथ जो होता है वो मानसिक सेवा भावों से जुड़ा हुआ होता है। मानसिक सेवा भावों में उत्सव से संबंधित जो भी परंपराएं होती हैं उनको निभाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। अब रहा प्रश्न होली का, उत्सव जो मनाते हैं उसमें तो रंग भीजता है एक महीने पहले। अब यह एक महीने पहले तो बरसात भी नहीं होती, गर्मी भी होती है, कहाँ से कोई व्यवस्था। लेकिन तत्कालिक व्यवस्थाएँ जो होती हैं भावनाओं से जुड़ी हुई, वो मनोरथ के रूप में आज ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे, थोड़ा गुलाल होगा, थोड़ा केसर होगी, थोड़ा चंदन होगा, थोड़ा छप्पन भोग होगा, थोड़ी सामग्री होगी, उस हिसाब से मनोरथ का दर्शन सबको होता रहता है। ये उत्साह भरा मनोरथ है, ये ठाकुर जी के यहाँ केवल ब्रज में ही मनाया जा रहा है। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि सारे विश्व में मनाया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि ब्रज की लीलाएँ, ब्रज के उत्सव हमेशा से पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहे हैं, और आज एक बार फिर से बरसाना जो है वो रंगों में सराबोर हो चुका है। तो ये थी यहाँ पर जो अधिक मास में होली खेली गई।
तो सभी श्रद्धालुओं ने यहाँ आकर दोबारा से जो होली है उसके आनंद लिए और राधा रानी के दर्शन किए। सौरभ पाल, न्यूज 18, मथुरा।